गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी. टुडे इज 3rd of Jan 2024. लाइव सेशन देखेंगे हम लोग. या वी विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स टू एवरीबडी ज्वाइन. वेलकम वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. आज अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस दोनों भी रॉकेट है. ये ऑलरेडी गैप अप हो चुका है. तो भी अदानी का 3500 का कॉल ऑप्शन देखते हैं. इसको हम लेंगे above 150. 3500 का कॉल ऑप्शन above 150 लेंगे. बट ये सेफ ट्रेडर अवॉइड करो क्योंकि ये काफी वोलाटाइल रहता है. बेटर वे सिप्ला आप देख सकते हो. सिप्ला भी रडार में है. 5 मिनट्स, सो इट्स अ गैप अप विथ हैमर. तो सिप्ला का 1300 का कॉल ऑप्शन बाय above 35.50. ये हैमर है, इसका हाई जाने के बाद लेंगे. 35.50 पे बाय करेंगे. 1360 का कॉल ऑप्शन सिप्ला का. ये अगर हाई निकलता है तो वो भी चला जाएगा. 35.50 के ऊपर लेना है. अदानी 3500 का कॉल ऑप्शन above 157 लेना है. above 157 का हाई कुछ 157 का है. above 157 तो ये दोनों रडार में रखेंगे. लेट्स सी. अदानी पोर्ट तो नहीं है अभी क्योंकि अदानी इंटरप्राइजेस के इन द मनी एट द मनी काफी महंगे है. इसको above 35.50 बट ये शायद नहीं होगा. ये आजकल लो चला गया है. सिप्ला का ऑर्डर कैंसिल करो. अदानी इंटरप्राइजेस ले सकते हो. 3500 का कॉल ऑप्शन above 157. अदानी इंटरप्राइजेस में भी ट्रिगर होगा बट ये काफी वोलाटाइल रहता है. मतलब सेफ ट्रेडर अवॉइड करो अदानी. सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए above 157 आप ले सकते हो. 150 का स्टॉप लॉस और 157 के ऊपर बाय. एंड सिप्ला भी रडार में रखो बट अभी मुझे नहीं लगता है ट्रिगर होगा क्योंकि लो तो चला गया है. तो या काफी वोलाटाइल मार्केट है. अभी तक कुछ ट्रिगर नहीं हुआ है तो हैव अ पेशेंस. चैट में देख नहीं रहा हूँ. देखो यहाँ पे भी सब अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस ही है. ये तो इन्वर्टेड हैमर बना है. अदानी इंटरप्राइजेस भी कैच, सिप्ला भी हटा दो. देखा ना, काफी वोलाटाइल रहता है. इसके लिए फिर आउट ऑफ द मनी दिया था बट मुश्किल है उसमें भी. ठीक है, दोनों कैंसिल करो. अदानी इंटरप्राइजेस भी और सिप्ला भी, दोनों भी नहीं है रडार में. फ्रेश व्यू देखेंगे. ठीक है, तब तक निफ्टी क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं. निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ नहीं, वो लेवल पे ही है जो लेवल कल ड्रॉ किया था. कल का कॉल ऑप्शन काफी अच्छा चला जो ट्रेड टू प्रॉफिट वर्कशॉप में दिया था. यहाँ पे दिया था एंड ये काफी रॉकेट हो गया. ठीक है, अभी देखो वही लेवल से डॉट नीचे आया. ये अगर जाता है तो हम लोग देखेंगे. बट जब भी ऐसे ये बिग कैंडल बनते हैं ना तभी ये रिट्रेसमेंट देने आता है. मतलब ये फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट देने आएगा तो पुट इजीली ले सकते हैं बट टिल टाइम वेट करेंगे. और बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी तो ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट ये एग्जैक्ट लेवल. बट पहले 5 मिनट का ही ये था. अभी ये तो सपोर्ट पे 47,400. मतलब इसके नीचे भी अगर जाता है तो एक 100 पॉइंट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी का एक बार 47,600 का पुट ऑप्शन एक बार देख लेता हूँ. उसको 210 के ऊपर बाय करो. 47,600 का पुट ऑप्शन above 210. अच्छा एक्सपायरी है तो संभल के 210 के ऊपर बाय करो. 240, 290 and 370 के टारगेट्स. स्टॉप लॉस जो भी कुछ है वो 180 का रख दो. 170 का रखो क्योंकि ये लेवल अगर निकलता है तो ये नीचे आएगा. इसके लिए इसको 210 के ऊपर बाय करना है. सिप्ला तो कैंसिल करने बोला. अभी तक कुछ अपना स्टॉक ऑप्शन में कुछ ट्रिगर नहीं हुआ है. नथिंग ट्रिगर. ठीक है, हैवल्स और वोल्टास भी दोनों रडार में है मेरे. हैवल्स भी आज काफी चला है. हैवल्स मिस कर गया मैं, पहले 5 मिनट में था. अभी भी लेना है तो इसके हाई के ऊपर ले सकते हैं. उसका हाई था कुछ 54 पॉइंट समथिंग. लगता नहीं है क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बना है. हैवल्स मिस किया एक्चुअली. अभी मेरे एक इधर इधर ही एंट्री थी तो ये अच्छा से मिल जाता बट ठीक है. अभी तो 47,600 का पुट ऑप्शन रखो. ठीक है, बैंक निफ्टी के हिसाब से लॉजिक क्या है. अगर ये लेवल जाता है लो तो ये इधर तक आने के चांसेस बहुत है. TDL भी ब्रेक होगा ना. मतलब ये अगर जाता है तो ये तो उसको वाइट लाइन से ड्रॉ कर दो. तो इसके लिए दिया है 47,600 का पुट ऑप्शन above 210. ब्रह्मास्त्र में ये है, हैबल्स भी है. इसके लिए देखा, अदानी तो है ही. डेटा भी मिक्स है, बुलिश बेरिश. ठीक है, सो वेट करेंगे. सो यहाँ पे
डेटा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। अभी कई कई जन बोलते हैं कि अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं। आपका इंटरनेट स्पीड वगैरह देख लो तो डेटा अभी ऑलरेडी मिक्स है, निफ्टी मिक्स है। बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी ज्यादा दम नहीं है, स्ट्रांग बेरिश। बैंक निफ्टी में भी ये बुलिश बेरिश है, मतलब साइडवेज एक्शन टाइप दिख रहा है इसका भी। ये अगर आज का लो चला गया तो ये लो तक आने के लिए चांसेस है, जो कल का लो था, मतलब तो 50 पॉइंट तक मिल सकते हैं। ओ हैवल्स, हैवल्स निकल पड़ा, हैवल्स निकल पड़ा। हैवल्स का 1400 का कॉल ऑप्शन देखो, बाय अबाउ वो फटक से आके चला गया, बाय अबाउ 55। 1400 का कॉल ऑप्शन, बाय अबाउ 55 हैवल्स का। इसका हाई अगर जाता है तो वो रॉकेट हो जाएगा। 1400 का कॉल ऑप्शन, बाय अबाउ 55, 55 ये रखो, बाय अबाउ 55। काफी फ्लक्चुएशन है इसमें भी आज। ये अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस फिर से भागने स्टार्ट हो रहे हैं। अदानी पोर्ट का 1100 का ना, और ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए। अदानी पोर्ट का 1100 का कॉल ऑप्शन देखो, 1100 का कॉल ऑप्शन, इसको अबाउ 81 लेना है तो ले सकते हो। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, 70 का रहेगा और 800 का लॉट साइज रहेगा, क्योंकि काफी वोलाटाइल रहता है, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस तो ये रहेगा, इसका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा इसके लिए। तो भी जो रिस्की है वो लोग ले सकते हो तो ले सकते हो। 1100 का कॉल ऑप्शन, बाय अबाउ 80 है, 81 का ऑर्डर आप रख दो तो भी चल जाएगा। स्टॉप लॉस 70 का रहेगा, मतलब मेरा 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो एंट्री करो, अदरवाइज छोड़ दो। ट्रिगर है अदानी पोर्ट ट्रिगर 81 पे, ये भी ब्लास्ट हो गया अपना। 150 पे अगर लेते तो ठीक है, अदानी पोर्ट 84 85, डन, फर्स्ट टारगेट डन। 85 इज माई फर्स्ट टारगेट। होको स्क्रीनशॉट जिन्होंने एंट्री लिया वो लोग, और बोलो लाइव सेशन में बुक किया है। हैवल्स भी नहीं चलेगा, वो नहीं जा रहा है, छोड़ दो हैवल्स। अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस दोनों भी काफी वोलाटाइल स्टॉक्स है। सेकेंड टारगेट उसका 90 है। ओ आज वो फाइनल हियरिंग है क्या अदानी पोर्ट अदानी इंटरप्राइजेस का? इसके लिए मोस्टली अदानी के फेवर में रहे लगेगा, वो मोस्टली अदानी के फेवर में लगेगा। अदानी पोर्ट फर्स्ट टारगेट अच्छे है, ऑलमोस्ट 81 से 86, मतलब 4000 का तो इजीली प्रॉफिट। वो रिस्की ट्रेडर के लिए था, मैं पहले ही बोला कि ये स्टॉक ऐसे है ना, काफी वोलाटाइल रहता है, मतलब स्टॉप लॉस बहुत डिफिकल्ट होता है लगाना। निफ्टी बैंक निफ्टी, हाँ निफ्टी ब्रेक हो गया, बैंक निफ्टी तो दिया है। निफ्टी भी 21600 का पी देख ही लेता हूँ अभी। उसका पी अबाउ 90 ले सकते हो, 21600 का पी बाय अबाउ 90। 87 चल रहा है अभी, 90 पे, 90 के ऊपर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस ना इनिशियली 65 का रहेगा, जो आज का ओपन था वो इनिशियली। बताता हूँ मैं कैसे उसको ट्रेल करना है। बाय अबाउ 90 कर सकते हो, और थोड़ा फास्ट मोमेंट चाहिए तो 21700 भी देख सकते हो। आपको देखना है तो थोड़ा फास्ट मोमेंटम वाला चाहिए तो बाय अबाउ 21700 भी कर सकते हो। 150 के ऊपर बाय, 151 के ऊपर बाय, या इसको अभी अबाउ 90 कर सकते हो, या फास्ट मोमेंट चाहिए तो 21700 का पी बाय अबाउ 151 भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक लो। ये ट्रिगर अबाउ 151 वाला ट्रिगर, एंड ये अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, बट इतना फास्ट मोमेंटम है ना, पूछो मत। अगर इस पे ऑर्डर ले रहे हो तो 130 का स्टॉप लॉस, इस पे ऑर्डर ले रहे हो तो 70 का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आ जाएगा। ट्रिगर है 55, 156, दोनों भी ट्रिगर, ये 90 वाला भी ट्रिगर, 151 वाला भी ट्रिगर। 158 ये इधर आने के लिए रेडी है, ये वाला ठीक है। डेटा भी स्ट्रॉन्ग बेरिश हो चुका है। 160 कड़क, 195, इसके लिए बोला फास्ट मूवमेंट चाहिए तो ये लेना है। 21700, 160 और वो 95, ठीक है देखेंगे, और जाएगा शायद नीचे। हैवल होल्ड्स और कैंसिल, हैवल्स तो ट्रिगर हुआ ही नहीं ना, कैंसिल हैवल्स भी, हैवल्स कैंसिल ना, इसके ऊपर जाना चाहिए पर वो गया नहीं। अभी निफ्टी रखो, निफ्टी दोनों ट्रिगर हो चुका है। 165 पहला टारगेट रहेगा, डन। 163 और वो 90 वाला लिया है तो इसका पहला टारगेट 100 रख दो, क्योंकि ये कम मोमेंटम देगा। पहला टारगेट इसका 100, इसका पहला टारगेट 165 है, डन। पहला टारगेट अचीव हुआ 165, एंड दिस आल्सो 99 हाई मारा इसने, क्योंकि यही होता है ना कि ये एट द मनी था और ये इन द मनी था, तो आईटीएम काफी अच्छा भागता है, तो इसका 165 का फर्स्ट टारगेट अचीव, वो भी आएगा जाएगा, क्योंकि ये इधर टच होने आने वाला है ना, उसको आना ही पड़ेगा उसको। बैंक निफ्टी नहीं ट्रिगर हुआ है, निफ्टी हो गया है। बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी का ब्रेक तो किया बट वो गया नहीं, एक्सपायरी है इसकी वजह से। बैंक निफ्टी का ये लो तो चला गया बट वहां पे ऑप्शन में ट्रिगर नहीं, ड्यू टू एक्सपायरी डे।
ये देखो ना, ये मतलब मेरा यही था ना, और थोड़ा डीप इन द मनी लेता ना तो ये आराम से ट्रिगर हो जाता और ये यहाँ तक टारगेट भी आ जाता। तो डीप इन द मनी लेना चाहिए था मुझे। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ 100.100, फर्स्ट टारगेट अचीव इसका, इसका भी फर्स्ट टारगेट अचीव। सॉफ्टवेयर में इसका फर्स्ट टारगेट 170 दिया है, बट ठीक है 165 भी चल जाता है। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तक तो वेट करो यार, बहुत जो है ना पहले ही निकल जाते हैं। पहले टारगेट तक तो वेट करो ऑलवेज। अदानी पोर्ट अभी भी है, मतलब अभी भी बाइंग प्राइस के ऊपर ही है। अदानी पोर्ट कल से बुलिश है, कल से ही था मेरे रडार में, आज तो ब्लास्ट कर दिया उसने दोनों ही है आज। बाकी दूसरे स्टॉक्स लिस्ट में कोई चल ही नहीं रहा है, क्योंकि अदानी के वजह से ही सब स्टॉक ऑप्शन में भी कोई आ नहीं रहा है। और जो ब्रह्मास्त्र में आए हैं, डेटा भी देखो कुछ इतना खास नहीं है। निफ्टी शायद स्ट्रॉन्ग बेरिश हो चुका था, इसके लिए अपना पहला टारगेट भी आ गया, दिख रहा है। तो दैट इज द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बिहेव विद द ऑप्शन एनालिसिस। पुट राइटर्स एग्जिट हो गए थे, दैट्स व्हाट। आज आईटी स्टॉक्स भी गिरे, कल भी गिरे थे, आज देखते कोफोज देखते। गिरे यहाँ पे कोफोज भी चल जाता था एज पर ब्रह्मास्त्र। तो एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी ऐसा स्ट्रैटेजी कि वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो जस्ट वो सीख लो। अदानी पोर्ट देखो 89, एंड पोर्ट हिंडनबर्ग का रिजल्ट कुछ भी लगो, पोर्ट ये तो सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का, तो इसको तो पोर्टफोलियो में रखना है आपको। 500 से मैं बोल रहा हूँ लोगों को। चलो एक ट्रेड तो हो गया निफ्टी का। देखो डॉट लेवल्स, देखो लेवल टू लेवल है, दिख रहा है। यहाँ तक ही बोला था ना ये आएगा 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 भाग। फिर से अभी ये लेवल पे देखेंगे शॉर्टिंग का, आएगा इधर फिर से शॉर्टिंग का देखेंगे, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है मेरा इंट्राडे में। अब देखोगे यहाँ पे कैसे ट्रेंड डिसाइड करना है, पता है ना आपको। ये आया गया, ये लो था, ये हाई था, फिर से आया लोअर लो बनाया, ऊपर गया लोअर हाई बनाया, फिर से आया अभी इक्वल लो बनाया, बट मेरे ख्याल से एक और एक लोअर लो बनाना चाहिए और फिर से आके यहाँ पे आना चाहिए लोअर हाई, दैट इज अ ट्रेंड। अभी ये इंटैक्ट करके अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर इंट्राडे का ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। ऐसे ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है जब तक ये इंटैक्ट है 21,500 के ऊपर तब तक। हाँ तो ये ब्रह्मास्त्र स्टॉक्स आपके मॉर्निंग में अपडेट हो जाते हैं 9:20 को, बट उसके पहले भी आप स्टॉक आइडेंटिफाई करने के टेक्निक से वो कर सकते हो। यहाँ पे आज बेरिश स्टॉक में देखो सारे यही है आईटी स्टॉक्स, क्योंकि आईटी स्टॉक्स से सारे बेरिश हो चुके हैं। इन्फी देखो, बट आई इन्वेस्टमेंट करना है तो आईटी स्टॉक्स में हर एक गिरावट में आप कर सकते हो। देखो इन्फी भी था गैप डाउन और उसके बाद में ये, बट ये इतने गैप डाउन हो चुके थे कि बहुत रिस्की था, ज्यादा कुछ बचा नहीं था माल मसाला उसमें लेने के लिए। अदानी इंटरप्राइजेस का एक दिया है, बट वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए, ओनली फॉर द रिस्की ट्रेडर्स। ऑनलाइन वाले तो ले ही मत, टेलीग्राम वालों के लिए दिया है 3,200 का कॉल ऑप्शन। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये केस इनके बाजू में लगेगा, और 99% चांसेस है इनके बाजू में लगेगा, तो ये शायद ये आज यहाँ तक भी आ जाए 3,300 तक। इसके लिए 3,200 का कॉल ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर बाय करने के लिए अबाउ 242 दिया है। उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मतलब ये डे लो है, मतलब आज का जो उसका लो रहेगा वो, मतलब ये ऑलमोस्ट 200 का पकड़ के चलो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और ऊपर टारगेट बहुत बड़ा है, न्यूज बेस है, ठीक है समझ लो न्यूज बेस है, बट जो ऑनलाइन वाले वो मत करो। डॉक्टर रेड्डी देखो, अदानी इंटरप्राइजेस ट्रिगर, हाँ अदानी इंटरप्राइजेस ट्रिगर हुआ वो जो इस पे दिया था 250, अपना 157 वाला भी अभी 165 हो गया, ठीक है। बट ये वोलाटाइल है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा अभी मैंने बहुत 30 माह खाल कर लिया। 255 फर्स्ट टारगेट अचीव, ये आज का मेरा टारगेट ही 3,300 है अदानी इंटरप्राइजेस का। ये अदानी पोर्ट भी रॉकेट, जो हमने 81 पे लिया था अभी 91 हो गया। पेशेंस चाहिए, जस्ट पेशेंस। 270 अदानी इंटरप्राइजेस, देखो टेलीग्राम पे जो दिया था वो किसने लिया, अदानी इंटरप्राइजेस। या एसीसी कल भी था मेरे रडार में, आज भी था, बट आज वो अदानी के पीछे में भाग रहा हूँ तो वो रह गया। एसीसी भी था, कल से था स्कैनर में, और ये भी कल भी था परसों भी था एसीसी। तो 1 ओवर का 5 मिनट का चल जाता था, बट एक था क्या, तब से ये साइडवेज ही था, अभी फटा है जस्ट इसके हाई के ऊपर एज पर ब्रह्मास्त्र लिया। मुझे 3-4 स्टूडेंट ने अभी मैसेज किया, ये ब्रह्मास्त्र वन टाइम सीख लो, लाइफ बन जाएगी आपकी। क्या है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब एक ऐसा स्ट्रैटेजी का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा कि जहाँ पे एवरीडे मॉर्निंग में आप 3 से 5 हजार का प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मास्त्र। तो दोज आर इंटरेस्टेड फॉर द ब्रह्मास्त्र, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। टेलीग्राम पे मैंने भेजा है ब्रह्मास्त्र का, यही बोला था ना मैंने, याद है आपको। निफ्टी का पता है कि एनालिसिस क्या बोला था, ये ऊपर जाके फिर से यहाँ पे ठोकना है आपको, ये फिर से नीचे आएगा, दैट्स कॉल्ड एज प्राइस एक्शन। वो प्राइस एक्शन एक बार आप सीख लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। डॉक्टर रेड्डी ट्रिगर हो सकता है, डॉक्टर रेड्डी के पास ध्यान रखो, डॉक्टर रेड्डी।
ये डॉक्टर रेड्डी 5900 का कॉल ऑप्शन बाय अबाउट 216। ठीक है, ट्रिगर होने दो उसको, तब तक वेट करेंगे। 2 मिनट रुको, जो 2 मिनट का मैं ब्रेक लेके आया। यस, डॉक्टर रेड्डी तो अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, तो वेट करेंगे। ठीक है, तब तक आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाउ मच कैपिटल रिक्वायर? मिनिमम 40,000 तो आपके पास चाहिए ब्रह्मास्त्र के पास ट्रेड करने के लिए। 40,000 रिक्वायर है आपको, तो ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का सीक्रेट है। दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन लर्न। देखो, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे आप लाइफ टाइम फ्री रहोगे, टेंशन फ्री। इसका अलग से ग्रुप बनता है, ग्रुप में मैं स्टॉक्स भी अपडेट करता हूँ। जैसे आज अदानी इंटरप्राइजेस अदानी इंटरप्राइजेस दिया था, सीमेंस ने, सीमेंस भी काफी वोलाटाइल है। तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन लर्न द ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकते हो। ये बहुत वोलाटाइल है यार, निफ्टी भी देखो ना क्या है, मतलब ऊपर जाके नीचे आके फिर से ऊपर। बैंक निफ्टी अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ अपना, वो 210 वाला कैंसिल करो उसको, अदानी ने तो दे दिया टारगेट। चलो, अभी आपके कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो, प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप। आप सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सबसे सेफ रहता है, या ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी सीख लो और खुद से करो, दैट विल बी द बेस्ट। डिपेंड ऑन एनी डिप मेरे ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा वन टाइम आप सीखो और फिर उसके ऊपर बेट लगाओ, दैट विल बी बेस्ट। और आज के दिन में अगर ये फिर से और 1 घंटा ऐसे चला तो ये डेफिनेटली ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे आएगा। ये फिर से शॉर्टिंग एरिया रहेगा मेरा, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन, और ये शॉर्टिंग एरिया रहेगा। तो रैदर देन लॉन्ग मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा आज। लेट्स सी, सिप्ला अगेन आया क्या? हाँ, सिप्ला अगेन आया रडार में। हाँ, तो सिप्ला का अबाउट 35 करो, 1300 का कॉल ऑप्शन, 1300 का कॉल ऑप्शन। अभी 33 चल रहा है, 35 के ऊपर रख दो ऑर्डर, 35.5 का वगैरह। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? लुपिन, हाँ रे, लुपिन कैसे मिस हो गई, अदानी के चक्कर में मेरा लुपिन मिस हो गया। लुपिन कल ट्रेड किया था ना, बट आज भी होना चाहिए था रडार में। लुपिन ने कल ही ब्रेकआउट दिया था, और कल हमने लुपिन इसके ऊपर, तो भी लुपिन भी करना है तो 1400 का कॉल ऑप्शन चल जाएगा। स्टॉप लॉस बड़ा होगा क्योंकि सारे शायद फार्मा अभी भागेंगे, शायद सारे फार्मा ले लो। 1400 का कॉल ऑप्शन लेना है तो अबाउ 55, और 50 का स्टॉप लॉस रखो, अबाउ 55, 1400 का कॉल ऑप्शन। आई होप यू लाइक द लाइव सेशन, लाइव सेशन अच्छे जा रहे हैं। आई होप आपको लर्निंग तो हो रहा है, बट रिस्पॉन्स नहीं आता। एक्चुअली प्रॉब्लम वो है, आज भी देखो हार्डली 80 लोग है, 80-90 लोग, तो मजा नहीं आता उसमें। रोज सोचता हूँ कि आज पेड वाला ये करेंगे, मेरा छोड़ो, लोगों को सीखना है। क्योंकि कल भी 5-6 लोग ज्वाइंड हुए थे ब्रह्मास्त्र में, तो उनको भी लाइव सेशन देना था, तो मैंने बोला चलो आज ही देखते हैं, चलेगा। ठीक है, दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ब्रह्मास्त्र दे कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, वन टाइम लर्निंग, और जिनको बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखना है दे कैन ज्वाइन द प्रो बैच, जहाँ पे अपना ये कमिंग संडे से आने वाले कि लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करने, वो डेटा को कैसे मर्ज करना होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।